सैमसंग का वन यूआई 8.5 यहाँ पर अनाउंस हो गया है। इसका बीटा ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कब देखने को मिलेगा आपके फोन में, तो यार थोड़ा सा इंतजार कर लो। गैलेक्सी S26 के साथ इसे ऑफिशियली रोल आउट किया जाएगा और उसके बाद ये धीरे धीरे सैमसंग के दूसरे फोन में, एप्पल में तक धीरे धीरे अपडेट में आएगा। और हाँ, सैमसंग वाले सबसे पहले जो उसके फ्लैगशिप फोन होते हैं ना, वहां पर इसे अपडेट देंगे। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस करे गए और यूआई यूएक्स में भी चेंजेस करे गए। और जो सैमसंग का वन यूआई 8.5 है ना, ये कोई बड़ा रिफ्रेश नहीं है, ये मिड साइकिल रिफ्रेश है, क्योंकि सैमसंग को S26 लॉन्च करना है और अभी भी ये सैमसंग ने एंड्रॉइड 16 के ऊपर ही इसे बेस रखा, यानी कि एंड्रॉइड 16 को बेस बनाते हुए वन यूआई 8 में ही कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जिस कारण से लोगों को एक नयापन यहाँ पर देखने को मिले। और सच बात जगह कुछ जगह ना इन्होंने एप्पल के लिक्विड ग्लास से भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले ली है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर क्या देखने को नया मिल रहा है। इसके अंदर आपको नया क्विक सेटिंग पैनल देखने को मिल रहा है, जहां पे फुल्ली कस्टमाइजेबल क्विक पैनल होगा, जिसके अंदर आप मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं टॉगल को। और जो वर्टिकल स्लाइडर का ऑप्शन होता है ब्राइटनेस और वॉल्यूम का, वो देखने को मिलेगा। और जो लेआउट रहता है ना, थोड़ी सी फ्रीडम यहाँ पे प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन यूआई के वर्जन के साथ। इसके साथ ही बात करें तो जो फर्स्ट पार्टी एप्स है ना, उसके यूजर इंटरफेस में भी चेंजेस करे गए हैं। जैसे की बात करें कैलकुलेटर की, कैलेंडर की, क्लॉक की, डिवाइस केयर की, सैमसंग हेल्थ ऐप की, यहाँ पे यूआई को चेंज किया गया। यहाँ पे फ्लोटिंग और पिल शेप्ड टैब बार दी गई है और हल्का सा सटल ब्लर आपको देखने को मिलता है, और वो इफेक्ट आपको यहाँ पे यह लिक्विड ग्लास के इधर दिला सकता है। इसके साथ ही लॉक स्क्रीन के अंदर भी इंप्रूवमेंट किए गए हैं, जहाँ पे आपको नए क्लॉक स्टाइल देखने को मिलेंगे, स्मार्टर ऑटोमेटिक लेआउट देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट वॉलपेपर्स के लिए, और आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको एक नया एनिमेशन देखने को मिलेगा, जब भी आप उसे कहीं पर टैप करेंगे तो उस तरीके से वो काम करेगा। इसके साथ ही वन ऑफ द मेजर इंप्रूवमेंट किए गए गैलेक्सी AI के अंदर, और इसके अंदर जो इनहेंस्ड फोटो असिस्टेंट वो डाला गया, यानी कि आप मल्टीपल फोटोग्राफ को आसानी से एडिट कर सकते हैं इसके अंदर, यहां तक कि मल्टीपल AI एडिट कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है, जेनरेटिव फिल करना, और इन सबको एक एक करके सेव करने की जरूरत नहीं, सारी की सारी चीजें एक साथ परफॉर्म करके आप एक साथ सेव कर सकते हैं और सबको एक बार चेक कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट देखने से पहले, यानी कि एडिट हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बिक्सबी को भी काफी इंप्रूव किया गया है, जिसके अंदर जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है वो हो यहाँ पे, यहाँ तक की जो पुरानी कॉन्वर्सेशन की हिस्ट्री वो भी याद रखेगा और किस बारे में बात चल रही है ढंग से काम करेगा। सीधी बात ये कि जो आपका बिक्सबी है ना, जेमिनी से डायरेक्टली टक्कर लेने वाला है, तो जेमिनी के अंदर जो AI फीचर सारे वैसे कुछ चीजों को बिक्सबी के अंदर भी डाला जा रहा है। इसके साथ ही कॉन्टेक्स्चुअल डिवाइस कंट्रोल के बारे में बात की गई है। और कनेक्टिविटी और गैलेक्सी इकोसिस्टम के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको स्टोरेज शेयर देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जितनी भी नियर बाय साइंड इन गैलेक्सी डिवाइसेज हैं, जैसे फोन हो गए, टैबलेट हो गए, इवन PCs भी क्यों ना हो गए, यहाँ तक कि TVs क्यों ना ले ले, सबके इंटरनल इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है माई फाइल्स ऐप के थ्रू। इनके अंदर जो डेटा स्टोर किया गया उसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा ऑडियो ब्रॉडकास्ट और Auracast जैसे फीचर है, जैसे कि अगर आपको कोई वॉइस वगैरह शेयर करनी है, फोन ऑडियो शेयर करना है, तो ब्लूटूथ LE कंपैटिबल डिवाइस साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और ये काफी अच्छा फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी के लिए या ग्रुप ऑडियो लिसनिंग के लिए और पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए भी। और सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्राइवेसी के अंदर बात करें तो यहाँ पे थेफ्ट प्रोटेक्शन को डाला गया, जहाँ पे स्टोलन डिवाइसेस के लिए जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जा सकती है वो है। इसके साथ ही एक्सपेंडेड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को भी डाला गया, और यहाँ पर दिखाया गया कि अगर आप अपनी पर्सनल आईडी की फोटोग्राफ लेके शेयर करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो की इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लर की जा सकती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आपने कोई ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड शेयर कर रहे हैं तो चीजों को ब्लर आउट यहाँ पर किया जा सकता है, तो ये एक अच्छा फीचर डाला है। इसके अलावा बात की जाए तो डिवाइस के अंदर ऑटो लॉक वगैरह के फंक्शंस को भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसे बेटर किया जा रहा है कि मल्टीपल टाइम्स अगर गलत पिन डाला तो डिवाइस कैसे अपने आपको ऑटो लॉक कर सकता है। इसके साथ ही बैटरी और पावर के अंदर भी फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया, जैसे कि जो बैटरी का यूजेज होता है उसको डिटेल ब्रेकडाउन आप यहाँ पे देख सके, और इसके साथ ही यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग पावर सेविंग मोड को, कि किस तरीके से आपको स्टैंडर्ड पावर सेविंग चाहिए कि मैक्सिमम पावर सेविंग चाहिए। और हाँ, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी डाला जा रहा है, वेदर इफेक्ट डाले जा रहे हैं आपके अलार्म के लिए, इनहेंस्ड विजिट्स के लिए, और जो डेक्स होता है ना उसको भी इंप्रूव किया जा रहा है, जिसके अंदर से जो विंडोज की जो पोजीशन होती है ना उसे यहाँ पे आसानी से इधर एक्सेस इधर कर सकता है। यानी कि बात करो सैमसंग गैलेक्सी फोन के अंदर वन यू 8.5 काफी अच्छा अपडेट हो सकता है। हाँ, माइनर चीजें चेंज कर रहे हैं, यूआई यूएक्स में इनहेंस कर रहे हैं और AI वाले फीचर्स को इंटीग्रेट करें, जिस कारण से सैमसंग अपने डिवाइसेस के अंदर कुछ नयापन यहाँ पे लेकर आना चाहती है, और स्पेशली S26 लाइन के लिए से टारगेट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सैमसंग वाले स्पेशल गैलेक्सी AI का भी एक इवेंट रख रहे हैं जनवरी के अंदर, जहाँ पे गैलेक्सी AI के फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या फीचर्स आने वाले, और फैब में जब गैलेक्सी S26 यहाँ पे लॉन्च होगा तब वहाँ पे इन फीचर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा S26 फोन के अंदर। और हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S26 फोन के बाद से ये
फीचर आपको सब पुराने गैलेक्सी एस सीरीज के फोन या फोल्ड सीरीज के फोन फ्लिप सीरीज में भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन हाँ, हो सकता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इधर इंतजार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि अब देखने वाली बात है कि अपडेट यहाँ पे सैमसंग वाले किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ, ओवरऑल बात किया तो ये कुछ चीजें जो आपको नए सैमसंग के वन यूआई 8.5 में देखने को मिल रही है। क्या आप लोग इंतजार कर रहे हो सैमसंग के वन यूआई 8.5 का? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।